मेरा टेंसर तो मुझे जल्दी मिलेगा। और वैसे भी बीरबा से सिर्फ उन्हें हमारे प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, हमारी आइडेंटिटी की नहीं। अब तो गेम और इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि कल नवमी है और नवमी के दिन मिलेगी मुझे नवे बच्चे की सोल, यानी सूतले की सोल। लेकिन रे, भारत नगर में बालवीर का सख्त पहरा होगा, तो फिर तुम उस बच्ची को फिर से उस काले गोले पर कैसे लेके आओगे? इस बार सूतली ब्लैक सर्कल के पास नहीं, बल्कि ब्लैक सर्कल सूतली के पास जाएगा। अब हमें सिर्फ मेक श्योर करना है कि सूतली पूरी काले और उसके बाद पूरी तरह मतलब पूरी तरह तुम रावण बन जाओगे। यस, और तब मुझे मिलेगा मेरा लास्ट हेड, मेरा टेंथ हेड। नवरात्रि में सब कुछ अच्छे से हो रहा है ना? और ये बात नौमी के दिन सबके चेहरों को देख के पता चल रही है। खुशी तो होगी ही ना, नौ कन्याओं का पूजन जो होगा, ऊपर से सबको हलवा पूरी भी खाने को मिलेगी। आप सभी कितनी मेहनत कर रही हैं, हम आपकी मदद करें? अरे तुम लोग हमारी क्या मदद करोगे? खाना बनाने में। ये वस्त्र अदृश्य है और ये बच्चों की बुराई पे भी नियंत्रण रखेगा, इन्हें अच्छे बच्चों की तरह रखेगा। वाह, वीर वस्त्रा ने तो रियली अच्छा बच्चा बना दिया छोटे को। और पता है, मैं तो 90 सेकंड्स में 360 डिग्री की तीन पुरियार बना सकता हूँ। रिंकू, तुम भी ना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग अपनी मम्मी की हेल्प करना चाहते हो। लेकिन अगर तुम लोग सच में हेल्प करना चाहते हो तो सबसे बड़ी हेल्प यही होगी कि कोई हेल्प ना करो। इसलिए जाओ अभी जाकर खेलो और खाना तैयार हो जाए तब खाना खाने आ जाना। ओके ओके देवो भैया, चलो चल। इस वीर वस्त्र की वजह से सारी किड्स कोड बन जाएंगे और मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। इसमें तुम्हें क्या तकलीफ होगी विवान? भैया, वीर वस्त्र की मदद से सारे बच्चे अच्छे बन जाएंगे, तो एक अकेला मैं ही तो सबको बदमाश दिखूंगा। ये तो सिर्फ दो दिन की बात है विवान, हमें इन दो दिनों में बहुत काम करना है, क्योंकि तब तक वीर वस्त्र का असर खत्म हो जाएगा। काम तो करना है हमें भी और उन्हें भी, इसलिए वो लोग सुतली को वापस लेने जरूर आएंगे। सो तब तक हम सुतली को या तो छुपा देते हैं या तो उसे डिसअपीयर कर देते हैं। नहीं विवान, अगर हमें सभी बच्चों की अच्छी आत्मा वापस चाहिए तो नौ कन्याओं की पूजा में हमें सुतली को बिठाना ही पड़ेगा। हाय गाइस, ये सुतली के बारे में क्या बातें हो रही थी? वही कि सुतली को हम कन्या पूजा में बिठाए कि नहीं। तुम बैठोगी? तुम्हें मैं बच्ची लगती हूँ? अब बातें तो हमेशा छोटे बच्चों जैसी करती हो। क्यों? मेरी गलती है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। मेरा चेहरा ही ऐसा है, उसे देखकर बात करने की इच्छा सी हो जाती है। लेकिन तुम्हारा चेहरा ऐसा है कि ओ हेलो हेलो, मेरे चेहरे के बारे में कुछ मत बोलना। ओके, अब मैं तो ये कह रहा था कि तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा है, अब धूप में निकलो तो सनस्क्रीन लगा के निकला करो। और मैं ये कह रही थी कि अगर तुम बाहर निकलो तो अपने मुंह पे टेप लगा के निकला करो। बाय विवान। वैसे भैया, अगर हम सुतने को विलन्स के सामने ला रहे हैं तो हमें भारत निकल की सिक्योरिटी भी एकदम टाइट रखनी होगी, ताकि शिंकाई के विलन सुतने तक पहुंच ना पाए। नहीं विवान, अगर हमें हमारे दुश्मनों की असली पहचान पता करनी है तो उन्हें भारत नगर के अंदर आने देना ही होगा। लेकिन चिंता मत करो, भारत नगर और सुतली की सुरक्षा का पूरा इंतजाम होगा, पर किसी को दिखेगा नहीं। ओ हेलो, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे पता है तुम दोनों पक्का कोई सीरियस बात डिस्कस कर रहे हो, राइट? लेफ्ट, आगे से लेफ्ट जाओ, वहां पे प्रसाद बन रहा है, वहां तुम्हारी हेल्प चाहिए, जाओ। तुमसे वैसे भी कोई बात नहीं कर रहा है डब्बू। विवान, तुम मुझे बताओ क्या सीरियस बात कर रहे हो तुम लोग? मैं
कुछ नहीं कुछ नहीं, वो तो बस हम पूजा में गंगा जल यूज करने की बातें कर रहे हैं और क्या। हाँ अरण्या को भेजना पड़ेगा यहाँ से, वरना मैं मेरी योजना के बारे में विवान से बात नहीं कर पाऊंगा। अभी जादू से देवकी जी की आवाज निकालता हूँ। अनन्या जल्दी घर आओ, बहुत जरूरी काम है। हाँ हाँ आंटी आई आई, जाओ जाओ जाओ। भैया अब मोस्ट इम्पोर्टेंट काम ये है कि शिंकाई जाकर उन मैजिकल बलून्स को कौन लाएगा, और यहाँ पर रहकर सुतली और कन्या पूजा की रक्षा कौन करेगा। भैया आप हमेशा मुझे छोटा बच्चा करते रहते हो और कहते हो कि मुझे हमेशा छोटा ही काम करना चाहिए, बट दिस टाइम तो दोनों ही काम बड़े हैं, सो अब दोनों काम बड़े तो हैं और दोनों में अकेले तो कर नहीं सकता। राइट तो मैं सोच रहा हूँ अपना एक हम शक्ल बना लूं। हाँ मॉम ने तो कहा उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन मॉम की आवाज तो आई थी। जरूर विवान ने कोई मैजिक करके मुझे वहां से भेजा होगा, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? पक्का ये दोनों मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। मैं विवान का पीछा करके ही रहूंगी। अब ये जो है वो शिंकाई जाएगा और मैं यहाँ पर रहकर सुतली और कन्या पूजन की रक्षा करूंगा। रियली भैया वाओ, ठीक है आप ही कर लीजिए ना सब कुछ, मैं जाकर उधर पूरियां बेलता हूँ, किसी के तो काम आ जाऊंगा मैं। अरे अरे विवान मैं तो मजाक कर रहा था, हम दोनों बालवीर हैं इसलिए हम दोनों एक एक काम करेंगे। एक शिंकाई के दुश्मनों को फंसाएगा और एक यहाँ पर रहकर उनसे भारत नगर की रक्षा करेगा। यानी कि मैं शिंकाई जाऊंगा और आप यही रहोगे। हाँ और हर बार की तरह इस बार भी विजयादशमी के दिन अच्छाई की जीत होगी। बालपरी की दी हुई इस बिल की मदद से मुझे पानी के अंदर भी सांस लेने में हेल्प मिलेगी। वाह न्यू टॉफी, मैं खा के देखू कैसी है। अरे दीदी ये टॉफी नहीं थी। तो फिर क्या था विवान, मैंने तो खा लिया, कुछ होगा तो नहीं मुझे? कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा दीदी, बस ये तो माँ की बनाई हुई पावर पिल थी, प्रोटीन और न्यूट्रिशन से भरपूर, इससे आपकी बैटरी पूरे दिन चार्ज रहेगी और आप नवकन्या पूजा में सबकी हेल्प भी कर पाओगे। अच्छा हाँ पूजा से याद है मैं वही पे तो जा रहा था। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब चलिए मैं आता हूँ। ओके ओके थैंक गॉड फाइनली अनन्या दीदी वापस चली गई। अब मुझे पानी के रास्ते शिंकाई जाने के लिए एक मैजिकल पॉन्ड बनाना पड़ेगा। विवान पक्का मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि अनन्या भी कितनी स्मार्ट है। अभी उसका पीछा करती हूँ। अब बस मुझे वो बलून ढूंढने हैं। अनन्या दीदी, दीदी, ओह गॉड विवान, विवान आई एम चोकिंग। मुझे बिल्कुल सांस नहीं आ रही है विवान। दीदी आप यहाँ कैसे आ गई? क्या कैसे हो गई? बाद में पूछा विवान, ये सोचो कि मैं बचूंगी कैसे? दीदी रिलैक्स रिलैक्स। ऐसे कैसे रिलैक्स करूं विवान? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम यहाँ आ रहे हो, आनी आती तुम्हारे पीछे। दीदी आप छुप कर आई हो, मैं आपको कैसे बताता? इसीलिए कहती हूँ विवान कि मुझे बता के आया करो, तुम जहाँ पे भी जा रहे हो मैं तुम्हारा पीछा ही नहीं करूंगी ना। अब मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल सांस नहीं आ रही है। दीदी काम डाउन काम डाउन, आप ऑलरेडी सांस ले रहे हो। राइट
हाँ विवान, मैं तो सांस ले पा रही हूँ। लगता है दीदी को मैजिक चॉकलेट के बारे में बताना ही पड़ेगा। लेकिन ये कैसे हुआ? दीदी आप जैसे थी ना वैसे ही हैं, और आपने जो मेरे हाथ से टॉफी लेकर खाई थी ना वो एक्चुअली एक पिल थी, और उसी की मदद से आप पानी के अंदर भी सांस ले पा रहे हो। पर दीदी आप मेरे पीछे यहाँ आई क्यों? वो क्या है ना विवान, कुछ दिन पहले तुम गोले में बंद हो गए थे, और डब्बू तो डब्बू है, उसके भरोसे तो ना छोड़ सकती थी तुम्हें, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें सीक्रेटली फॉलो करूं और आके तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूं। ओके वाह, कितनी ब्यूटीफुल प्लेस है ना ये। लेकिन विवान तुम यहाँ पे क्यों आए हो? पंडित जी सारी तैयारी हो गई ना, तो बच्चों को बुला लो, कन्या पूजन प्रारंभ करेंगे। अरे छुटनी बच्चों, चलो चलो आओ जल्दी। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोली परी, वीर जल है, इस वीर जल से जो भी हद होएगा, और अगर वो बुरा इंसान होगा तो बर्फ की मूर्ति बन जाएगा। देवू भैया मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं, आप ये मुझे दे दीजिए, मैं सबके हाथ धुलवा दूंगी। अरे नहीं नहीं खुशी, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। अरे दे दीजिए आप। अरे खुशी मैं कर लूंगा खुशी। अरे देवू भैया ये क्या हो रहा है, मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? खुशी खुशी बेटा देखो चिंता मत करो, तुम्हें ठंड इसलिए लग रही है क्योंकि तुम थक गई हो, है ना? देखो पूजा में तुम्हारा इंतजार हो रहा है, जाओ आराम से जाके पूजा में बैठ जाओ। हाँ ओके भैया। शारी खुशी से तो पता ही नहीं है कि वो एक बुरी बच्ची बन चुकी है, असल में हमारे वीर वस्त्र की वजह से वो अभी भी अच्छी बच्ची बनी हुई है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। अब खुशी दीदी का ये बाल मुझे उस जगह ले जाएगा जहां उनका सोल उनको बारों में बंद है। उस तरफ दीदी। लेकिन विवान वो बाल तो बहुत दूर, क्या वहां तक जाएंगे कैसे? ऐसे ये क्या है विवान? दीदी ये हमें शिंकाई की सैर कराएगा। चलिए दीदी। तो ये है शिंकाई, कितनी ब्यूटीफुल प्लेस है ना शिंकाई। कौन है वो लोग जो इतनी सुंदर जगह पे रह के इतने इविल काम कर रहे हैं? हैं? कोई सुरक्षा नहीं की? ये बालवीर तुम्हें क्या बिन बुलाए बाराती समझता है? जो किसी को खड़ा नहीं किया तुम्हारे स्वागत के लिए, अरे हार नहीं दो चार वार कर देता तुम पर। शट अप रेगन साहब। And don't forget कि वेलकम तो सूतली का होगा, वो भी शिंकाई में। हाँ यहाँ की सुरक्षा देखकर तो लग ही रहा है कि तुम बड़े आराम से सूतली को यहाँ से शिंकाई ले जा सकते हो। नो प्रेगन सर,
इस बालवीर के होते हुए कोई भी काम इजीली हो सकता है क्या? सामने देखो। अरे वाह, लगता है स्वादिष्ट खाना पकने वाला है, इसलिए बाहर हाथ धोने जा रहे। Let's go. हैंड वॉश नहीं, तुम्हारा ब्रेन वॉश करने की जरूरत है। But I'll make sure आज बालवीरों को सूतली से हाथ धोना पड़े। अरे गिर पड़े जी, हाथ तो धो लीजिए। क्यों आप हाथ आगे क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आजकल हम हाथ कम गंदा करते हैं और धोते ज्यादा हैं। ये देखो, हाथ धो धो के मेरे हाथ की लकीरें मिट गई, देखो। लेकिन गिरपड़े जी, ये तो पूजा का जल है, हाथ आगे करिए। पूजा कौन? और पूजा का जल तुमने क्यों लिया? और उसको पूछा है कि नहीं? हाँ, पता ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं, पता है, लेकिन ये तो भगवान की पूजा का जल है। अच्छा, ये दोनों बातें अलग है। ओके ओके, वाह वाह वाह, जय गंगे, धन्यवाद। कुछ तो है यहाँ पर जो सामने है लेकिन नजर नहीं आ रहा। सामने? अरे आग कमजोर होने की निशानी है, जांच करवा लो अपनी आंखों की। Shut up, Regan, और मुझे समझने दो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अरे दे दीजिए आप। अरे खुशी, मैं कर लूंगा खुशी। अरे यही लाइन है माता के दर्शन की, चलो चलो लाइन में चलो। हाँ। चलो आगे। दीदी, आई कैन सेंस, हम ऑलमोस्ट उन बलून्स तक पहुंच चुके हैं। रुको विवान, ये तो हमारे पास ही आ रही है। दीदी, दीदी संभल के दीदी। दीदी आप ठीक तो हो ना? लाइन में आगे बढ़ो वरना खाना खत्म हो जाएगा। खाना तो मिलेगा प्रियंका, लेकिन आइस कोल्ड। आइस कोल्ड? ये तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि जितने बच्चे मेरे कंट्रोल में हैं, उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो मुझे पता चला है। बालवीर जिस पानी से हैंड वॉश करवा रहा है, खुशी पर वो उसकी सिर्फ एक बूंद गिरने से वो आइस की तरह फ्रीज होने लग गई थी। मतलब ये है, चल हमारे ऊपर पड़ते हम भी बर्फ के बन जाएंगे। Yes, Priginsa. अरे ये हाथ धोने वाले भी रोने वाली बात है, और ये सब कुछ तुम्हें पता होने के बावजूद तुम लाइन में खड़े हो। अरे छुटो, निकलो यहाँ से। अरे 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 रामू काका, किस बात से डर कर भाग रहे हैं? पकड़े जाने के फियर से ब्रो। पकड़े जाने के डर से? किस बात के पकड़े जाने का डर? ट्रुथ सामने आने का फियर ब्रो। ये जरूरी तो नहीं ना कि जो सामने होता है वही रियल हो। तो सामने क्या नहीं है और क्या रियल है, बताओ। बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे हैंड्स तो वॉश करवा दो, या फिर मेरे रूल्स डिफरेंट है। नहीं नहीं,
रूल्स तो सबके लिए सेम ही है। आओ। ये लोगों के पाव पे कुल्हाड़ी गिरती है, ये बेवकूफ पाव कुल्हाड़ी पे मार रहा है। सुतली तो हाथ से चली जाएगी और साथ में ही आइसक्रीम बन जाएगा। कौन समझाएगा इसे? थैंक्स ब्रो, मेरे हैंड्स प्योर करवाने के लिए। अरे अरे रामू काका, हाथ धुलवाए बिना कहाँ जा रहे हैं? घर से धो के आया था। हाँ, फिर भी पूजा के पानी से धुलवाना तो पड़ेंगे। अरे आप कुछ कह रहे थे, वो कोई बात जो सामने दिखती नहीं, क्या क्या थी वो बात? अरे 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 रामू काका, हाथ धुलवाए बिना कहाँ जा रहे हैं? घर से धो के आया था। हाँ, फिर भी पूजा के पानी से धुलवाना तो पड़ेंगे। अरे आप कुछ कह रहे थे, वो कोई बात जो सामने दिखती नहीं, क्या क्या थी वो बात? यही कि ये पूड़ी चुराने के लिए चले गए थे। गरम तेल में अपना हाथ डाल दिया और उस वजह से इनका हाथ जल गया। बस वही छिपाते हुए भाग रहे थे। मैंने कब पूरी चुराई? ये देखिए। ओह, आयो, मैं पूरी नहीं चुराया जी, मैं तो बस पूछ रहा था। माफ करना देबू जी। कोई बात नहीं रामू काका, लेकिन देख लिया ना चोरी करने का अंजाम क्या होता है? जी जी। इसलिए अगली बार जो भी चाहिए होगा मांग लीजिएगा। हाँ। अब हाथ आगे कीजिए। शुक्रिया। अरे लेकिन मैंने पूरी चुराई कब? तो मैंने भी कौन सा तुम्हारा हाथ बंद किया? कम ऑन बिगिन सर, ग्रो अप। बुराई का नेक्स्ट रावण हूं मैं। दर्द भी मैं ही देता हूं, उसे ठीक भी मैं ही करता हूं। कहा था ना मैंने तुम्हें बिगिन सर, रावण हूं मैं। आप पानी हवा सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। जब वो जल हमारे हाथों को छू ही नहीं सका तो उनका मैजिक काम कैसे करता? ए वाह रे वाह। वो देखो, वो रही हमारी शिकार सुतली। इस टाइम बिगेन था कि हम हमारे लास्ट बलून में सुतली की सोल भरे। तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है विवान, तुम कैसे लोगे इन बलून्स को? दीदी डेंजरस काम है, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। पर इस बार मैं भी तो हूँ ना तुम्हारे साथ। फिकर नॉट दीदी, आप बस इतना सोचिए कि अब मॉरिशस में बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग करें। ओके तुम्हारा जल्दी ठीक होना बहुत जरूरी है बिरबा। मैं ठीक हूँ मुंबई श्री, लेकिन मुंबई श्री अगर छोटे बालवीर ने बच्चों की सोल वाली बलून ले ली तो ये ठीक नहीं होगा।
विवान, अगर आज हम यहाँ मर गए ना तो तुम्हारी मॉम और मेरी मॉम, मतलब हमारी मॉम मुझे मार डालेंगी कि मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों लेके आई हूँ। व्हाट दीदी, जस्ट चिल। और इसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास। क्या लीजिए दीदी, हो जाइए लाइव एक्शन के लिए रेडी। ये गन तुम मुझे क्यों दे रहे हो? ताकि आप लाइव एक्शन वाला वीडियो गेम खेल सको इन क्रिएटर्स के साथ और इनका ध्यान मुझसे हटा सको। मतलब तुमसे ध्यान हटा के मैं अपनी उम्र ध्यान ले लूं? नहीं। वाओ दीदी, यू आर सो स्मार्ट। और जब भी आपके साथ बिजी हो जाएंगे ना, मैं जाकर उन बलून को निकालूंगा, राइट? लेकिन विवान, मैं ये गन कैसे चलाऊंगी? दीदी, आप बालवीर की बहन और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। कम ऑन दीदी, यू कैन डू इट। खरोच भी नहीं आ रही है। अब क्या करेंगे विवान? फिकर नॉट दीदी, हम दोनों मिलकर वार करते हैं। वहां बम्बाल श्री, कहीं ऐसा ना हो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाए। सब्र बिरबा, सब्र। अब मुझे उन बलून्स तक पहुंचना है। अब समझ में आया बिरबा कि मैं वहां क्यों नहीं जा रहा था। अब एक बालवीर इस जादुई वेल के पेट में और जो दूसरा बालवीर है उसे 10वां सर मिलने के बाद रेस सबसे पहले खत्म करेगा। नौ कन्याओं का पूजन संपन्न हुआ, अब इन्हें भोजन कराइए। देबू, विवान कहाँ रह गया? तुमने कहा था कपड़े खरीदने गया। हाँ, वो वहाँ वो विवान कपड़े लेने गया है। मैंने आपको बोला था वो थोड़ा कपड़े लेने में ग्रीडी है ना, इसलिए उसे टाइम लगेगा। आप भोजन करवाइए ना, विवान आ जाएगा। हाँ, आप सब कन्याएं मेरे घर आ जाइए, नौ कन्याओं का भोजन और प्रसाद वहीं मिलेगा। आइए। ये सही टाइम है, सोचिए तुम्हारी ब्लैक सर्कल वाली पूरी खिलाने का। और उसकी पूरी खाती पूरी हो जाएगी तुम्हारी रावण बनने की इच्छा। धनी परी, कन्या पूजा के साथ साथ 90% परम धनुष भी वीर लोक में तैयार हो चुका है। बस एक ही दिन बचा है किसी विघ्न के बिना नव दुर्गा पूजा पूरी होने में। कल विजयादशमी के दिन परम धनुष की मदद से बुराई के रावण का अग्नि दहन करूंगा मैं। धनी परी, अब तक तो शिंकाई के दुश्मन ने कोई चाल नहीं चली है और ना ही वीर जल से हमें किसी दुश्मन के बारे में पता चल पाया है। मुझे लगता है बालवीर कि तुम्हें अपना प्लान भी शुरू कर देना चाहिए। हाँ धनी, इसलिए अब आप सुतली का रूप लेकर कन्या पूजन के भूतल में जाएंगे और अगर वहाँ पर शिंकाई के दुश्मनों ने आपकी आत्मा छीनने की कोशिश की तो वो खुद अपनी मौत को बुलावा देंगे। अंधेरा क्यों है यहाँ पे? विवान, विवान, विवान कहाँ हो तुम? अनन्या दीदी, लेकिन विवान हम कहाँ गए? विवान, मुझे तो लग रहा है हम हेवन में नहीं हेल में आ गए। देखो ना कितना अंधेरा है यहाँ पे और यहाँ का पानी कितना
स्लाइमी है। दीदी हम ना ही हेवन में और ना ही हेल में, बल्कि हम बेल आंटी के पेट पे हैं। वो इसका मतलब बेल हमें खा गई है। दीदी दीदी संभालिए। अरम जी प्लीज विवान कुछ सोचो, ऐसे बाहर कैसे निकलेंगे। दीदी मैं वही सोच रहा हूँ। तो जल्दी सोचो ना विवान। इतना सारा काम और सिर्फ आप लोग कर रहे हैं। समझ गए, गरम है। I mean, सिर्फ लेडीज काम करे ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। So, अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कन्याओं को सर्व करने में? हाँ बोलो। नहीं सुनो, सर्व करना नहीं प्रसाद देने में, ऐसा बोलो। ओह ओके। करुणा जी इन्हें प्रसाद देने देते हैं, तब तक हम गिफ्ट्स लेकर आते हैं जो कन्याओं को देने हैं। अरे हाँ वो भी तो काम है ना। हाँ ठीक है लो जी, दे ये लो। अब यहाँ से पकड़ो। कर लो कर लो। संभल के हाँ। क्या रे तुम्हें, अब तुम्हारी वजह से सारा काम हमें करना पड़ेगा। अधूरा काम है तो पूरा करना है ब्रिगेंसा। सूत की पम्मे जी के पूरे खिला के अब बाकी की आठ गर्ल्स का प्रसाद तुम देख लेना। ठीक है। अब ये पूरी देगी मुझे सूतली की सोल और मुझे मिलेगा मेरा टेंथ हेड। सुदली मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। अच्छा दीजिए। यहाँ पर नहीं है वो, विवान के रूम में। चलो मेरे साथ। विवान प्लीज कुछ करो, तुम अपना मैजिक ट्राई करो ना। गॉड विवान तुम्हारे मैजिक से तो इसको कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मुझे चक्कर जरूर आ रहे हैं। प्लीज विवान कुछ करो नहीं, इससे पहले मैं फेंट हो जाऊं। दीदी संभालिए अपने आप को, संभालिए। मैं फिर से ट्राई करता हूँ, लेकिन शायद ये कोई मायावी वेल है और इसी की वजह से इस पर मेरे मैजिक का कोई भी असर नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करके देखो। रामू काका सुतली को अभी तक प्रसाद वाला खाना क्यों नहीं दिया? अब वो मैं सुतली को सबसे लास्ट में सर्व कर रहा था, इसलिए फ्रेश पूरी लेने अंदर गया था। सिर्फ बाकी सबको सर्व कर दिया। गुड, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वो मैंने सोचा कि घर की लेडीज को थोड़ा आराम दे दूं और थोड़ी सोशल सर्विस करने का मन किया। आप क्यों, कुछ गलत किया मैंने? अरे हाँ बिल्कुल ठीक किया। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ गुड गुड, अब सेवा करोगे तभी तो मेवा मिलेगा। नाइस। ये सूतली नहीं है, ये कोई परी है। ये मेरी मैजिकल पूरी नहीं खा सकती। सूतली बेटा प्रसाद खाना शुरू करो।
विवान, तुम्हारे मैजिक से तो कुछ नहीं हो रहा। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं रो के एक बार इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, शायद हमें थोड़ी सिंपैथी दे दे और मान जाए और हमें यहाँ से बाहर निकाल दे। ट्राई करूँ मैं। वेल आंटी, दीदी 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 काम लाओ प्लीज, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए, हम अभी भी इतने हेल्पलेस नहीं है। अब मुझे क्या करना है? आई नो विवान, ये मुझे एकदम से ये बर्निंग सेंसेशन क्यों हो रही है? ओनो विवान, तुम एकदम से आई नो से ओनो पे कैसे आ गए? क्योंकि ये जलन उस व्हील की स्टमक एसिड से हो रही है। What? स्टमक एसिड? हाँ, जिससे व्हील अपना खाना बर्न करती है। ओह नो, इसका मतलब अब हम व्हील का लंच बनने वाले हैं। विवान, अब मैं चल रहा हूँ। व्हील आंटी, प्लीज हमें बाहर आने दो, प्लीज प्लीज प्लीज। अब असली सुतली को भी खाना दे देता, वरना अब कन्या पूजा अधूरी रह जाएगी। सूतली को अंदर रखा है कमरे में, जिसके लिए खाना लेकर जा रहा है ना। मुझे सूतली को उस रूम से बाहर लाना होगा और फिर अपने मैजिकल ब्लैक सर्कल वाली पूरी उसके प्लेट में रखना होगा। बट हाउ? माँ की ममता को यूज करना पड़ेगा। क्या हुआ माँ? माँ ठीक है ना? बालवीर, डबल सूतली बनाकर बहुत स्मार्ट मूव खेला है तुमने, लेकिन अब मैं कैसे फिगर आउट करूं कि इसमें से रियल सूतली कौन सी है जिसकी रियल सोल मैं ले सकूं? मिल गया मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। यस। क्या दीदी? विवान प्लीज जल्दी कुछ करो, इससे पहले हम बेल का खाना बन जाए। दीदी, जैसे बाकी सब चीजें नेचुरली वेल आंटी के पेट से बाहर निकलती है, वैसे What do you mean? खाना हमारे पेट में जाता है हमारे मुंह से और बाहर निकलता है कहीं और से, वैसे ही हमें भी। नो 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 नो, नहीं विवान, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, प्लीज कुछ और सोचो, हम ये नहीं कर सकते। चीनू दीदी, और कोई ऑप्शन नहीं है, प्लीज प्लीज। One, two, three, go! Didi, Didi, somebody! अब इसकी यूज चाहिए, हेड की वीकनेस बनेगी। जब तक ये वेल आंटी हमारी तरफ टर्न करेगी, तब तक मैं जाकर उन बलून्स को ले लूंगा। ओके भगवान, हरिया विवान, जल्दी करो। हाँ दीदी, कर रहा हूँ। विवान हरिया। हाँ दीदी, हाँ। हैप्पी मिशन।
विवान ये तो हमारी तरफ ही आ रही है, मुझे वापस चीज तो खाना नहीं बनना, प्लीज विवान आ रही है अब। अनन्या दीदी सुतनी? यस रे भैया। काय झालं असेल? पानी करुणा जी पानी। अरे ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है। और देर की तो मां की हालत और बिगड़ जाएगी। लगता है अब अपनी जादू शक्तियों से ही मां को ठीक करना पड़ेगा। थिंक रे थिंक, इसके पहले देखो आ जाए थिंक। एक रियल है, एक रिफ्लेक्शन है। रियल है उसकी शैडो होगी, और जो खुद ही रिफ्लेक्शन है उसकी शैडो तो हो ही नहीं सकती। मिल गई रियल सुतली। कहिए रे भैया, कुछ काम था? तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए ये स्पेशल पूरी बेची, कहा कि बहुत डिफरेंट और टेस्टी है। अब मुझे मिलेगा मेरा 10th हेड। कहिए रे भैया, कुछ काम था? तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए ये स्पेशल पूरी बेची, कहा कि बहुत डिफरेंट और टेस्टी है। अब ये मैजिकल पूरी खाते ही मुझे मिलेगी सूतली की सोल और मेरा 10th हेड। माँ ठीक है ना? ठीक लग रहा है अभी। माँ लेकिन हुआ क्या था आपको? लगता है अचानक गले में फ्रूट अटक गया, पर इतने छोटे छोटे पीस तो है। हाँ। फिर अटका कैसे? होता है करुणा जी, ऐसा होता है कभी कभी। कहीं मेरा ध्यान भटकाने के लिए ये शिंकाई के दुश्मनों की कोई चाल तो नहीं मुझे यहाँ माँ को ठीक करने में भटका कर उस सुतली को। थैंक गॉड विवान आज हम बच गए, वरना मुझे तो ऐसा लगा था कि
ओह गॉड नो नो नो, मैं तो सोचना भी नहीं चाहती। अरे दीदी, अंत भला तो सब भला, और देखे हमें सारे बलून भी मिल गए। अब मुझे कुछ भी करके अनन्या दीदी को यहाँ से वापस भारत लेकर भेजना होगा। अब बन जाऊंगा मैं 10 सरों वाला रावण, दोनों बालवीरों से ज्यादा पावरफुल, दुनिया का सबसे एविल, सबसे पावरफुल विलन। Evil powers का king कौन? Ray, ध्यान से सुनो बालवीर, आज तुम्हारा दिन पक्का। Cry on Ray, नहीं छोड़ेगा। Ray. विवान, एक गड़बड़ हो गई। मैं सुतली की आत्मा को बचा नहीं पाया, लेकिन यहाँ आने से पहले मैंने उसे वीर वस्त्र पहना दिया था, जिससे अब वो ठीक है। फिकर नॉट भैया, हमें सारे बलून्स मिल चुके हैं, और अब बस हमें इन बलून्स में से बच्चों की सोल को बाहर निकालना है। और उस रावण को भी शक्तिशाली बनने से रोकना है। बहुत अच्छे विमान। इसलिए तो मैंने अनन्या दीदी को किसी भी बहाने भारत नगर वापस भेज दिया। अनन्या, वो यहाँ पर क्या कर रही थी? लॉन्ग स्टोरी है भैया, मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन अभी तो हमें इन बलून्स में से बच्चों की सोल्स को बाहर निकालना है। रुको बालवीर। क्या हुआ धोनी परी? शौर्य ने तुम दोनों के लिए संदेश भेजा है। कैसा संदेश? यही कि अगर इन बच्चों की आत्मा इन गुब्बारों में से बाहर निकल भी गई, तभी शिंकाई वाले दुश्मन के 10 सर उसके पास ही रहेंगे। और अगर तुमने सारी शक्तियां मिलाकर उन गुब्बारों को नष्ट कर दिया, तो उन गुब्बारों में बंद बच्चों की आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी बालवीर। शौर्य ने अगर समस्या बताई है, तो उसका कोई ना कोई हल भी बताया होगा। उपाय एक ही है बालवीर, और वो है परम धनुष। लेकिन परम धनुष तो कल विजयदशमी के दिन ही पूर्ण तरीके से तैयार हो पाएगा, और हमारा दुश्मन आज रावण बन चुका है। भैया, इसका मतलब हम उससे एक दिन पीछे हैं। परम धनुष हमें कल मिलेगा, लेकिन अगर उसने हम पर आज ही अटैक कर दिया तो? आज नहीं, वो अभी हम पर वार कर रहा है। यहाँ आने से पहले मैंने भारत नगर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच लगाया था, जिससे मुझे पता चल रहा है कि 10 सिरों वाला रावण भारत नगर आ चुका है। ध्वनि परी, डुबा डुबा, आप दोनों इन गुब्बारों की सुरक्षा कीजिए। मैं और देवू भैया रावण को उसका इंश्योरेंस कवर लेने के लिए मजबूर कर देंगे। पर अब वो महाशक्तिशाली हो गया है, और तुम उसे हरा नहीं सकते। हराएंगे तो कल, आज तो केवल उसे 12 घंटों के लिए रोक के रखेंगे। कल विजयदशमी के दिन माता की मूर्ति के विसर्जन के साथ परम धनुष का आवाहन करके बुराई का अंत करेंगे। अब तुम्हारे बेकार का सुरक्षा कवच मुझे नहीं रोक सकता बालवीर, आज तुम्हारा खत्म होना पक्का है। दिल से बुलाया, बालवीर आया। दिल से बुलाया नहीं, दिल से चाहा है।
कि आज इस दुनिया में तुम दोनों का आखिरी दिन हो और ये मेरा वादा है कि ऐसा हो के रहेगा। माना कि आपके पास 10 सर है लेकिन 10 के 10 सर एक ही बात बोले काफी बोरिंग हो जाता है यार। सारी एनर्जी क्या इसी में वेस्ट करनी है? तो तुम मेरी ताकत देखना चाहते हो? विवान, हम जहां भी जाएंगे ये हमारा पीछा करेगा क्योंकि ये हम पर हमला करना चाहता है। हम इसका फायदा उठा सकते हैं, हमें अलग अलग दिशा में जाना चाहिए। यस, और ये देखने में भी मजा आएगा कि वो हम दोनों में से पहले किसे फॉलो करता है क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल किसे मानता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो जिसे ज्यादा कमजोर समझता हो उसका पीछा करे। भैया, माँ मेरे कान घुमाने का और आप मेरी बात घुमाने का मौका कभी नहीं छोड़ते। लेकिन फिलहाल तो हम इस रावण को घुमाते हैं। चलो। तो मेरे पीछे है, पर इसका मैं क्या मतलब समझूं? तुम मुझे विवान से ज्यादा ताकतवर समझते हो या कमजोर? क्या फर्क पड़ता है कि तुम ताकतवर या कमजोर? क्योंकि अब सबसे ज्यादा ताकतवर तो मैं हूं, बाकी सब कमजोर। वाह, इतना घमंड! इतना घमंड तो असली रावण का भी टूटा था। मैं आज का रावण हूं बालवी, और मुझे तुम तो क्या, तुम्हारा भगवान भी नहीं रोक सकता। रोकने से याद आया, विवान भी तो बालवीर है, उसके पास भी तो शक्तियां है। तो तुम जब यहां पर हो वो तुम्हें हराने के लिए कोई ना कोई तरकीब जरूर निकाल देगा। मैं तो तुम्हें समझदार समझता था बालवीर। ध्यान से देखो, मैं अपने सिर्फ 5 सरों के साथ यहां पर हूं। शायद तुम्हें भूल गए कि मैं 10 सरों वाला रावण हूं। मैं एक साथ 10 जगहों पर हो सकता हूं। मैं जल में हूं, मैं जल हवा में हूं, मैं आकाश में हूं, मैं यक्ष में हूं, तत्र में हूं, मैं सर्वत्र हूं। मैं आई एम हैप्पी कि तुम मेरे ही पीछे आए, वरना बड़े भी है तो मुझे हमेशा छोटा बच्चा कहते रहते हैं। वैसे तुम्हारे बाकी के सिर कहाँ गए? रास्ते में गिर गए? तुम चिंता मत करो, मैं वहां भी हूँ और यहाँ भी हूँ। तुम दोनों बालवीरों को एक साथ एक समय पर खत्म करूंगा। मैं एक जैसा दर्द दूंगा तुम दोनों को। एक बार। लेकिन मैं तुम्हें इक्वल ट्रीट कैसे दूं? क्योंकि देखो, तुम तो हाफ हो गए लेकिन मैं पूरा बालवीर हूं। सो डेफिनेटली फर्स्ट राउंड में विक्ट्री तो हमारी ही हुई। मैं आधा ही काफी हूं तुम्हारे लिए बालवीर। लगता है तुम्हारे अंदर घमंड के साथ साथ अति आत्मविश्वास भी है। तुम्हारा जीतना तो असंभव लगता है। बातें अच्छी बनाते हो लेकिन मैं अपने दुश्मनों को बातों से नहीं हाथों से खत्म करता हूं। तो शुरू करें। Let's begin.
बस इतना ही दम है तुम्हें? ज्यादा देर के लिए फर्ट में रोक के नहीं रख सकती। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इस रावण को टूरिस्ट बनाकर पूरे यूनिवर्स की सैर कराएं? हाँ विवान, योजना अच्छी है, इसमें आराम से 7-8 घंटे तो निकल ही जाएंगे। बालवीर, बारा, कहाँ डर कर चुप गए तुम? ओ पांच बत्ती, थक गए क्या? नहीं बालवीर, आज जब तक मैं तुम दोनों बालवीर को खत्म नहीं कर देता तब तक ना मैं रुकूंगा ना मैं थकूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि तुम हमारा अंत करना तो दूर, हमें छू भी नहीं पाओगे, कोशिश करके देख लो। अगर है दम तो करो मेरा पीछा, क्या तुमसे हो पाएगा? भागो बालवीर भागो, आज जहाँ जाओगे मुझे ही पाओगे, क्योंकि क्राय और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। शौर्य, हमारा दुश्मन महाशक्तिशाली हो गया है, लगता नहीं कि दोनों बालवीर मिलकर भी कल सूर्योदय तक उन लोगों को उलझा कर रख पाएंगे। जानता हूँ, और अगर ऐसे ही वो ब्रह्मांड में घूमते रहे तो उनकी शक्ति ऊर्जा भी जल्द समाप्त होने लगेगी और उन्हें थक कर रुकना ही पड़ेगा। फिर तो बालवीर को हराना और भी आसान हो जाएगा दुश्मन के लिए। हाँ बालपरी, इसलिए अब मुझे वो करना होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। वो क्या शौर्य? मुझे समय की गति को बढ़ाना होगा ताकि सूर्योदय अपने सही समय से पहले हो सके और दोनों बालवीर माता की मूर्ति का विसर्जन करके परम धनुष का आवाहन पूर्ण करें। तो मंडली, मैं क्या कह रहा था? अरे अरे बोलो नहीं सुनो, मतलब सॉरी, मैं ये कह रही थी कि आज नवदुर्गा की आखिरी रात है ना, तो क्यों ना कुछ स्पेशल किया जाए। तो आज रात हम माता जी का नाम लेकर जगराता करते हैं। हाँ मस्त मस्त, और जगराते के बाद कल सुबह यहीं से माता जी का विसर्जन भी कर लेंगे। हाँ तो बहू शुरू हो जाओ। हाँ 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 पापा जी, शुरू करो। पद्मिनी जी, ये कोई लामी थोड़ी ना है जो आप फास्ट फास्ट डांस कर रही है, ये फास्ट फास्ट जा रही है, धीरे धीरे कीजिए, कुछ समझ में तो आए।
मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे तेज गा रही हूँ। अरे मुझे भी पता नहीं चल रहा है मैं तेज तक क्यों जा रहा हूँ। मुझे भी समझ में नहीं आ रही है फसा चिमटक कर रही हूँ। अरे आंटी आप लोग टेंशन मत लीजिए मुझे हारमोनियम दीजिए मैं बजाती हूँ हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ और मैं प्रॉपर स्पीड में गाना गाऊंगी जल्दी हम भी पत्नी आंटी से डांस करेंगे। भैया पूरे ब्रह्मांड का राउंड लगाकर चंद्रमा पर आकर तो काफी टायर्ड सा फील हो रहा है। हाँ विवान थकान तो होगी क्योंकि हमने इस उड़ान में हमारी काफी ऊर्जा खर्च की है लेकिन हम उस दुश्मन को हमारे पीछे उलझाने में सफल रहे। यस भैया लुक भैया इंडिया में सनराइज हो रहा है हमें हमारे हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिल रहा है। यस वी डिड इट भैया अब सनराइज के साथ साथ इंडिया में विसर्जन का भी टाइम हो जाएगा और माता के विसर्जन के साथ परम धनुष भी तैयार हो जाएगा जिससे हम बुराई के रावण का अंत करेंगे और साथ ही साथ हमें खुशी दीदी और मेरे बाकी फ्रेंड्स की अच्छी सोच वापस मिल जाएगी। लेकिन वो दुश्मन है कहाँ वो हमारे पीछे आया क्यों नहीं। हो सकता है कि उसका भी पेट्रोल खत्म एंड इंजन बंद। नहीं विवान हमारा दुश्मन हमसे कई ज्यादा ताकतवर है वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। अब तक वो हमारा पीछा कर रहा था हमें मारने के लिए लेकिन अचानक वो गायब हो गया क्यों कहीं उसे हमारा प्लान पता तो नहीं चल गया कि हम उसे जानबूझकर पूरे यूनिवर्स की टूर करवा रहे हैं। अपने दुश्मन को कमजोर समझो लेकिन बेवकूफ नहीं बालवीर। एक प्लान उन्होंने बनाया था और एक प्लान मैंने बनाया उन दोनों को डिस्ट्रॉय करने का। अरे लेकिन वो दोनों बालवीर आ गए तो वो आएंगे जरूर आएंगे तब तक रेप बुराई की ऐसी सुनामी लाएगा जिसमें पूरे भारत नगर का विसर्जन हो जाएगा। यस मिस्टर बी बेचारे दोनों बालवीर अपने ही बनाए हुए प्लान में फंस गए ना वो दोनों बालवीर का गेम ओवर।